नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित भगवान महावीर की जन्मस्थली क्षत्रिय कुंड जन्मस्थल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना कर मत्था टेका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीधे हेलीकॉप्टर के द्वारा आगमन हुआ। सीएम ने सीधे मंदिर परिषद में जाकर भगवान महावीर के मूर्ति का दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिषद में हो रहे कार्यों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बने मंदिर परिषद एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगहों से फोन किया था और सारे हमारे प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग इसमें इतना सक्रिय हुए और मैंने जो सलाह दिया कि चारों तरफ से घेर करके रखिए, कोई निकल नहीं पाए, तो उसके चलते लोग निकल नहीं पाए और अंत में भगवान महावीर की जो मूर्ति को लेकर गायब करना चाहता था उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम अनेकों बार यहाँ पर आए और यहीं पर वो मूर्ति स्थापित थी, तो जब हम पहली बार आकर के यहाँ देखे तो हमने फिर जो जैन धर्मावलंबी हैं, सब लोग इसमें काम कर रहे थे, उन सब लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया कि जरा मूर्ति को जल्दी से, मूर्ति तो सुरक्षित हो गया लेकिन इस मंदिर को बहुत अच्छे ढंग से जरा बना लीजिए, जो आप लोगों की योजना है। सब लोगों ने काम करना शुरू किया और आज से 2 साल पहले आए थे, भगवान महावीर की फिर से मूर्ति आज स्थापित हुई, आने का मौका मिला और हमको इधर कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि लगभग काम पूरा हो गया है। तो कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की थी हमके, हम जरूर जाना चाहेंगे वहाँ, हमारी तो बहुत इच्छा है, जाना चाहते हैं। तो वही कल तो हम आना चाहते थे लेकिन कल आप जानते हैं कि जिस तरह से फॉग का वातावरण था, हम आगे भी बांका भी नहीं जा पाए थे। आज ऐसा मौका मिला हमके, आज तो हम जरूर जाएंगे। पहले ये तय हो गया था कि ऊपर से देखते चले जाएंगे, ना ऊपर से मेरा मन नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, हम तो जाएंगे। हम मौजूद हैं जम्मू जिला के सिकंदरा के जन्म स्थान में, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पे लोग हैं जो कि अपने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का इंतज़ार कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नीतीश कुमार यहां पे आ चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये भगवान महावीर की जन्म कल्याणक भूमि मानी जाती है और इसी के अंदर जाकर वो भगवान महावीर का जो है दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद फिर वो वहाँ से इसी रास्ते से आएंगे, चूँकि उनका प्रोग्राम कल यहाँ था, किसी कारणवश उनका जो प्रोग्राम था कल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज उनका जो प्रोग्राम था वो निश्चित तौर से पूरा हो चुका है और उनके इंतज़ार में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से उनका ये जो दौरा हुआ है, कहीं ना कहीं जीत के बाद, जो विधानसभा चुनाव था उसको जीतने के बाद पहली बार वो यहाँ पे भगवान महावीर के जो जन्म कल्याणक भूमि है वो यहाँ आकर अंदर में दर्शन कर रहे हैं भगवान महावीर की। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मोहम्मद मोती। भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे रोको टोको अभियान को सफल बनाने के लिए खुद एसएसपी आशीष भारती प्रयासरत हैं। इस दौरान एसएसपी ने स्टेशन चौक, घंटाघर, तिलक मांझी चौक के अलावा जीरो माइल थाना क्षेत्र में भी पहुंचकर रोको टोको अभियान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाथनगर विधायक की गाड़ी को भी रोककर चेक किया गया। वहीं एसएसपी ने इस अभियान की शुरुआत होने के बाद चोरी, छिनतई, लूटपाट सहित कई घटनाओं में कमी होने की बात कही है। पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों को और अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जाती रही है और इसी क्रम में रात्रि गश्ती की चेकिंग की जाती है, रोको टोको अभियान चलाया जाता है, खास करके जो शहरी क्षेत्र है और स्टेशन के आसपास विशेष करके, क्योंकि रात्रि में कई लोग स्टेशन से होकर के गुजरते हैं, चाहे वो ट्रेन से उतरने वाले यात्री हों या फिर कहीं भी उनको जाना हो, बस से भी जाना हो, ऑटो से जाना हो, तो गुजरते हैं। तो इसको लेकर के लगातार चलाया जाता रहा है और लगातार जो पैदल गश्ती भी हो रही है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड के मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्यालापुर के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ता सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ललन पासवान के द्वारा एनडीए कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेमोक्रेसी में तो जनता मालिक है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आइडियोलॉजी के लेकर, विचार के लेकर, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, अपने सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट सब जगह नहीं जा सकता। असल लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ते हैं, अगर कार्यकर्ता न रहे तो कहाँ से यह जीत हासिल हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की फौज
उसकी वजह से नरेंद्र भाई मोदी देश के दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। हमारा यह जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है और हृदय से हर किसी को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि हम मैं तो लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, मुझे विधायक बनना है, विधायक बन गया, माननीय हो गया, वेतन भत्ता चालू, सिक्योरिटी चालू, फैसिलिटी चालू, लेकिन जो कार्यकर्ता रात दिन खट रहे थे उनको क्या चाहिए था, उनके क्या सपने, उनको तो कुछ नहीं था, बस उनको मैंने क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे थे, अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे। नालंदा के बिहार शरीफ प्रधान डाकघर से सांसद कौशलेंद्र कुमार, मेयर वीना कुमारी एवं डाक अधीक्षक उदय भान सिंह द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सुकन्या रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर डाक अधीक्षक ने बताया कि आम जनता को डाकघरों से जोड़ने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 250 रुपए के आसान किस्त पर खोला जा सकता है। इस मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बच्चियों को उनका सुकन्या खाता देकर उनका उत्साह बढ़ाया। का उद्घाटन समारोह के मौके पर जो रथ के द्वारा प्रचार प्रसार का जो माध्यम डाक विभाग ने बनाया है, इसके लिए डाक विभाग के तमाम अधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुकन्या योजना के लिए देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे देश में सुकन्या योजना का जितना कम प्रीमियम पर अच्छा पैसा मिलता है बच्चियों के लिए, उसके लिए जो प्रचार प्रसार आज हो रहा है, मैं समझता हूं कि हम तमाम जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेवारी बनती है कि इसको प्रचार करने की ज़रूरत है। हर घर में अगर बच्ची है तो उसकी सुरक्षा, उसका कैसे आगे का भविष्य उज्जवल हो, इसमें तमाम चीज है। क्या चीज का आज यहाँ पे शुभारंभ किया गया? आज हम लोगों ने माननीय सांसद महोदय के द्वारा ये सुकन्या रथ का हम लोग हरी झंडी दिखाकर बिहार शरीफ से रवाना किए हैं। माननीय श्री अनिल कुमार पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी प्रक्षेत्र के सौजन्य से ये हमें प्राप्त हुआ है। नालंदा में बिहार थाना पुलिस ने डकैती कांड का फरार चल रहा कुख्यात डकैत मोहम्मद शाकिब समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी डकैती कांड का अभियुक्त है। डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उसे गगन दीवान मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नालंदा के एकंगरसराय थाना इलाके के पैंदापुर गांव में शादी समारोह में खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस दौरान भगदड़ मची और 55 वर्षीय एक अधेड़ की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक पटना जिले के मसौढ़ी निवासी मेहर अनवर हैं। परिजनों का ने बताया कि राकेश कुमार के पुत्र की बारात मसौढ़ी के एकंगरसराय थाना इलाके के पैंदापुर गांव आई थी। खाना को लेकर बाराती और सराती पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए। थोड़ी देर बाद सामाजिक पहल कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर लोगों ने शांत कराया। जब वे लोग वापस लौट रहे थे, इसी बीच रास्ते में दोबारा हमला कर दिया गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, इसी बीच गिरकर मेहर अनवर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। वहीं प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम लोग बारात आए थे, हमारे भाई साहब बारात में आए थे, मेरा अनुभव था। आने के बाद वहाँ इन लोग रात में अच्छे से हुआ था, पी के अपना लौट रहे थे। सुबह में मतलब 3 बजे इन लोग 3 बजे निकले थे मसौढ़ी जाने के लिए। बस वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है शायद दनियामा क्या ऐसी कुछ जगह है, 4 किलोमीटर में इन लोगों को चेक किए। 5 लोग थे उससे मारपीट किया, अच्छा खासा मारपीट किया, जान मानी को जान बचाने से लोग भागे।
शराब के खिलाफ बिहार सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। वहीं मनेर में शराब सप्लाई और बेचने का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। ताजा मामला पटना राजधानी से सटे मनेर का है। मनेर में पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि नया साल आने वाला है, जिसको लेकर शराब कारोबारी अपने कारोबार में संलिप्त हैं। शराब कारोबारियों ने नया नया हथकंडा भी अपनाना शुरू कर दिया है। शराब कारोबारी नदी के रास्ते अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप ला रहे थे, जिसे राजधानी पटना में सप्लाई करना था। वहीं मनेर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 97 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। शराब के साथ साथ एक कार और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। राजधानी पटना में एक सनकी पति ने बच्चा नहीं जनने का आरोप लगा पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पटना के भीटा थाना इलाके के वंशी चौरा टोला की है। घटना की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जैसे कि यहाँ पर आदमी लाश गिरा हुआ है, कल 7 बजे फोन किया, शाम में फोन किया तो बोले कि यहाँ पर ऐसा ऐसा बात हो गया, तो हम लोग 10 बजे रात में पहुँचे यहाँ पर, बोले देखें कि यहाँ देख रहे कि दीदी के रोटी बनाते हुए पीछे से गर्दन लगता कटा हुआ है। मनेर में ऑटो बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घटना मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी मैदान NH 30 की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैशाली में पुलिस ने मिनी ट्रक से शकरकंद लोड करने की आड़ में भारी मात्रा में विदेशी शराब ले जाने का मामला का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रतनपुरा में एक लाइन होटल के पास छापेमारी की और इस दौरान मिनी ट्रक में शकरकंद के नीचे छुपाकर ले जाए जा रहे 114 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मौके से पुलिस ने मिनी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी धंधेबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सेब बाबा ढाबा के सामने टाटा 407 गाड़ी पर लोड शकरकंद में छिपाया हुआ 114 पेटी एरिस्टोक्रेट शराब बरामद हुआ, जिस संबंध में एक गिरफ्तारी भी है और बाकी लोगों के लिए छापेमारी जारी है। खबर वैशाली के सराय से है, जहां 12 दिसंबर को तय शादी से पहले युवक को अगवा कर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सराय थाना इलाके के इनायतपुर प्रबोधी की है। युवक का शव गांव के पास ही कुएं से बरामद किया गया है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान नंदन कुमार के रूप में हुई है, जिसकी शादी 12 दिसंबर को होनी थी, लेकिन बीते 8 दिसंबर को ही नंदन अचानक घर से लापता हो गया। इसके बाद परिजनों ने सराय थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज की। इसी बीच युवक का शव कुएं से बरामद किया। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है। 8 तारीख को मेरा भाई खाना खा करके सो गया। सोने के बाद उसको हम इतना ही जानते हैं कि उसका रिंग बजा था। रिंग बजने के बाद में वो बाहर निकला, उस समय से लापता हो गया। फिर इसके बाद खोजबीन हम सुबह में देखे 7 बजे तक, जैसे हम 6 बजे के लगभग में देखे कि उसका रूम में से भांजा भी सोया हुआ था। सोने के बाद में भांजा निकला, हम बोले कि मामा, तो मामा तो घर पे नहीं है। हम देखे इधर उधर, पता लगा, नहीं पता चला। साढ़े 10 बजे तक गीत नाग हुआ, उसके बाद खाए पिए
11:30 में वो सोने चला गया, हम 15 में वो जो सो गए, इस सो गया। इसके बाद 3 बजे रात में उठते हैं हम, तो हम पूछते कुछ नहीं देखे जो गेट खुला हुआ है, हम कहा कि पेशाब करने गया होगा चाहे पैखाना किया होगा, ये देख करके हम जाके फिर चुपचाप सो गए। जब सुबह में देखे कि नहीं, तो पूछे कि रे बुआ कहाँ हूँ, बगना नाती से पूछे कि रे मामू कहाँ हूँ, मामू कहाँ हूँ, तो नौ हथ तो हम। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही, आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।